वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया वर्ल्ड कप मैच सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए जाना जाएगा, एक पारी जो हमेशा हम क्रिकेट फैंस के जहन में रहेगी। पारी ग्लेन मैक्सवेल की ऐसी इनिंग जो अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को बहुत लंबे वक्त तक दर्द देगी। मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को हारा हुआ मैच जिता दिया, जुताया क्या अफगानिस्तान टीम के जबड़े से जीत छीन ली। कोई भी शख्स जो कल रात अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों के मुकाबले को देख रहा था, वो एक समय मान चुका था कि अफगानी टीम वर्ल्ड कप में एक और उलटफेर करेगी। पर यहीं से इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री हुई और उन्होंने इस मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। मैच की हाइलाइट्स की बात की जाए तो अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद टीम ने 5 विकेट गंवाकर 291 रनों को बनाया। जवाब में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 रनों पर अपने 7 विकेट खो चुकी थी। लगा था कंगारू टीम की मैच में फुस हो जाएगी, पर ग्लेन मैक्सवेल को पैट कमिंस का साथ मिला और मैक्सवेल ने लंगड़ाते हुए गिरते हुए उड़ते हुए अपनी टीम को 19 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट से जिता दिया। फिलहाल इस मैच को एक वाक्य में समेटने की अगर कोशिश की जाए तो हाथी निकल गया था, पूंछ ने आकर पूरा गेम बिगाड़ कर रख दिया। मानो मैक्सवेल और पैट कमिंस को अफगानी गेंदबाज आउट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी आउट होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पुछले बल्लेबाज क्रीज पर आ जाते और एक बार फिर अफगानी टीम मैच में शिकंजा कस सकती थी। अफगानिस्तान टीम वैसे इस हार की खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने मैक्सवेल को 3 कैच टपकाए। फिर क्या था, मैक्सवेल ने इसके बाद बल्लेबाजी में ऐसी गियर बदली कि अफगानी गेंदबाज त्राही माम वाली मुद्रा में नजर आए। मैक्सवेल की इस पारी के कारण सोशल मीडिया पर खूब बच नजर आया। वहीं सचिन तेंदुलकर से लेकर तमाम खिलाड़ियों ने इसे मानने से गुरेज नहीं किया कि ये उनकी देखी हुई वनडे क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पारी है। फिलहाल इस मैच को वनडे इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मैचों में कहा जा रहा है, वहीं मैक्सवेल की इस पारी को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। इस मैच को लेकर के आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक।